जहां पर दो दिवसीय प्रवास पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको डबरा से बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं, साथ ही अपने गृह नगर डबरा पहुंचे हैं नरोत्तम मिश्रा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे दतिया में और दतिया के लिए रवाना होंगे। डबरा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और दतिया के लिए रवाना होंगे इस पूरे दो दिन के प्रवास के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको डबरा से बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं, अपने गृह नगर डबरा पहुंचे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। आप तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पर, नरोत्तम मिश्रा अपने गृह नगर पहुंच चुके हैं। दो दिवस तक वो यहीं रहेंगे, दो दिनों तक, और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही आगे चुनाव की तैयारियों के लिए भी। इसी के साथ डबरा से सुनील रजावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता। सुनील जी, आज गृह मंत्री जो है वो अपने गृहनगर पहुंचे हैं, क्या कुछ ताजा मामला है वहां पर? जी अनन्या जी, आपको बता दूं, भोपाल से चलकर गृह स्वास्थ्य मंत्री डबरा पहुंचे हैं। डबरा में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद वह दतिया के अपना गृह क्षेत्र, गृह जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लिए निकले हैं। वहाँ पर लगभग 10 लाख की लागत से एक GNM सेंटर है और एक CC रोड के बोरिंग का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर डॉक्टर मनोहर लाल कुशवाहा हैं, उनके द्वारा गृह मंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। उनके साथ राजघाट त्राय पर पेट्रोल पंप के पास उनका भोजन किया जाएगा। जी अनन्या जी, धन्यवाद आपका। इसी के साथ आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं डबरा से, जहाँ पर गृह मंत्री जो हैं वो अपने गृह नगर पहुंच चुके हैं डबरा, और वहां पर दो दिनों तक वो वहीं रहेंगे, साथ ही कई सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आगे उपचुनाव आने वाले हैं तो उसकी रणनीति पर भी काम किया जाएगा। इसी के साथ दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अपने गृह नगर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले